Today, in the subject of the manufacturing process, we are discussing about the unit 4, tool cost and the reconditioning of the tool. Today, we'll discuss of the different type of the tool cost, which is important for the manufacturing economics, production economics. Aapko market mein compete karne ke liye, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट देने के लिए आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स आपको जरूरी है और तभी आप मार्केट में कंपीट कर सकते हैं. बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड टोयोटा ये सारा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स करके वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया. टूल कॉस्ट और वेरी वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द टूल मटेरियल. ये टूल मटेरियल पे डिपेंड करता है. साइज ऑफ द टूल पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज लेंगे. शेप पे डिपेंड करता है. चीप ब्रेकर फीचर पे डिपेंड करता है और क्वालिटी पे डिपेंड करता है. टूल का जो कॉस्ट है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है. विच टाइप ऑफ द मटेरियल यू यूज फॉर द टूल. कितना साइज का आप लेंगे, किस शेप का लेंगे, चीप ब्रेकर लेंगे, उस पर डिपेंड करता है. द कॉस्ट फॉर ए टिपिकल वो 12.5 इंसर्ट. ये सभी का आपको यहां पर कॉस्ट आपको बताया हुआ है. फॉर द अनकोटेड कार्बाइड्स $2 से $10 के बीच में उसका कॉस्ट है. कोटेड कार्बाइड $6 से $10 के बीच में कॉस्ट है. सेरामिक्स का $8 से $12 का बीच में कॉस्ट है. डायमंड कोटेड कार्बाइड्स का $50 से $60 के बीच में कॉस्ट है. क्यूबिंग बोरन नाइट्राइड का $60 से $90 के बीच में आपका कॉस्ट है. डायमंड टिप इंसर्ट का $90 से $100 के बीच में कॉस्ट है. तो आपको देख रहे हैं अनकोटेड कार्बाइड हाई स्पीड स्टील के यहां पर नाम ही नहीं है. हाई स्पीड स्टील इससे भी सस्ता है. अनकोटेड कार्बाइड और द डायमंड टिप इंसर्ट का 10 times ज्यादा है कॉस्ट. इसका $90 है, इसका $2 है. यही कारण है कि जो कोटेड कार्बाइड्स है, सेरामिक्स है, क्यूबिक बोरन नाइट्राइड है, वो आपको इंडिया में यूज नहीं होता है. आपको लो कॉस्ट का हाई स्पीड स्टील वो गुड़गांव में, फरीदाबाद में आपको यूज करते हैं, है ना. टूलिंग कॉस्ट इन द मशीनिंग हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी ऑर्डर ऑफ द 2 to 4% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. एक टूल से कितना आइटम बना ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपको ऐड होता है. तो ये 2 to 4% आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपका टूलिंग कॉस्ट आपको ऐड होता है. तो कौन सा टूल आप सेलेक्ट करते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है.
आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए, प्रोडक्ट के आइटम के लिए, है ना। एक्सपेक्टेड टूल लाइफ कैन रेंज फ्रॉम द 30 to 60 मिनट, दस फॉर ए स्क्वायर इंसर्ट 8 कटिंग एजेज, इट विल बी लॉन्ग टाइम बिफोर द इंसर्ट इज रिमूव फ्रॉम द रिप्लेस्ड। टूल लाइफ भी होता है, सभी टूल का जो कटिंग टूल है 30 to 60 मिनट होता है, 30 से 60 मिनट है। जो इंसर्ट मैंने आपको दिखाया था 8 कटिंग एज का, आप 8 जो है 1 by 1 करके 8 इंसर्ट में आप यूज कर लेंगे और जो है ये आपको ज्यादा दिन तक आपको चलेगा, है ना। तो ये आपको टूल कॉस्ट के बारे में आपको यहां पर आपको जानकारी दिया गया कि टूल कॉस्ट कैसे मैटर करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। और टोयोटा, फोर्ड, होंडा, ये सारी कंपनियां अपना इसी से जो है कंपटीटिव मार्केटिंग करती है कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। कटिंग टूल कैन बी रिकंडीशन बाय रिशार्पनिंग देम सुइंग टूल एंड कटर ग्राइंडर। कटर ग्राइंडर, टूल ग्राइंडर वो हर एक वर्कशॉप में होता है, उसमें टूल ग्राइंड किया जाता है, कटर जो है ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडर मशीन छोटा सा आपने देखा होगा, आपने वर्कशॉप में देखा होगा, टूल ग्राइंडर उसी तरह का होता है जो कि टूल ग्राइंडिंग के लिए ही आपको यूज होता है। और कटिंग टूल का जब हाई स्पीड स्टील का जो टूल सिग्नेचर है वो आपका वियर कर गया, डिफरेंट टाइप के वियर आ गए, तो उसको टूल सिग्नेचर को आपको ग्राइंडर पे आपको ठीक किया जाता है, इसको रिकंडीशनिंग ऑफ द टूल कहते हैं। क्योंकि अगर टूल अगर ब्लंट हो गया है तो उससे कटिंग नहीं होगा, उससे आपको काम नहीं होगा, है ना। दूसरा, जो कोटेड टूल है उसका कोटिंग खराब हो जाने के बाद उसको रीकोटिंग किया जाता है, और रीकोटिंग करने के बाद फिर से उसमें आपको कटिंग एबिलिटी आ जाता है रीकोटिंग करने के बाद, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिकंडीशनिंग टूल हैव बीन ज्योमेट्रिक फीचर सच एज ओरिजिनल टूल्स। रिकंडीशन टूल में आपको ओरिजिनल टूल्स की तरह आपको ज्योमेट्रिक फीचर्स आपको होता है। रिसाइक्लिंग टूल इज ऑलवेज ए सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन, स्पेशली इफ दे कंटेन एक्सपेंसिव मटेरियल सच एज टंगस्टन एंड द कोबाल्ट, है ना। रिकंडीशनिंग जो है टूल का आपको किया जाता है, तो यही आपको जो आपको रिकोटिंग किया जाता है और टूल एंड कटर ग्राइंडर पे आपको रिकंडीशन किया जाता है, रिसाइपन किया जाता है टूल सिग्नेचर गेन के लिए, यही आपको रिकंडीशनिंग ऑफ द टूल्स था। तो हम लोगों ने सभी तरह का टूल को डिस्कस कर लिया और द टूलिंग कॉस्ट वो भी आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द कटिंग फ्लूड। कटिंग फ्लूड क्या क्या फंक्शन है, क्यों यूज किया जाता है, पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ द कटिंग फ्लूड्स, टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूड्स, और कैसे जो है कटिंग फ्लूड को एप्लीकेशन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ये यहां पर आपको दिखाया गया है। कैसे जो कटिंग फ्लूड जो है अप्लाई किया जाता है, इफेक्ट्स ऑफ द कटिंग फ्लूड क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, और द ड्राई मशीनिंग क्या है वो पढ़ेंगे, एंड टाइप्स एंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, यहां पर आपको सिरामिक्स दिया हुआ है, और जो कटिंग फ्लूड्स है, है ना, तो क्या क्या आपको कटिंग फ्लूड का बारे में इफेक्ट क्या है वो हम लोगों ने पढ़ेंगे, है ना। ये आपको कटिंग फ्लूड में हम लोग पढ़ेंगे। कटिंग फ्लूड का मतलब आपने देखा होगा, लेथ मशीन में फ्लूड गिराते हैं, ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस फ्लूड गिराया जाता है, और फ्लूड जो है कार्बोनेटेड सॉल्यूशन होता है, वो मिक्सचर होता है, तो उससे जो है आपका जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट होता है। कटिंग फ्लूड्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द मशीनिंग ऑपरेशन टू अचीव द फॉलोइंग रेडियस, रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड वियर, दस इंप्रूविंग द टूल लाइफ। ये आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, वियर को रिड्यूस करता है, इससे आपको टूल लाइफ जो है
आपको इंप्रूव कर जाता है, एंड सरफेस फिनिश ऑफ द वर्क पीस आपको इंप्रूव कर जाता है। कटिंग फ्रूट के आपको यूज करने से सरफेस फिनिश आपको बढ़ जाता है, आपको टूल लाइफ इंप्रूव कर जाता है। कूल द कटिंग जोन, कटिंग जोन का जो टेम्परेचर है वो आपको रिड्यूस कर देता है, दस रिड्यूसिंग द वर्क पीस टेम्परेचर एंड थर्मल डिस्टॉर्शन ऑफ द वर्क पीस। थर्मल डिस्टॉर्शन जो वर्क पीस का है वो आपको कम कर देता है ना, वर्क पीस का जो टेम्परेचर है वो आपको कम कर देता है, ये कटिंग फ्लूइड का फायदा है। दूसरा, चूंकि फ्रिक्शन कम हो गया तो रिड्यूसेस द फोर्स एंड द एनर्जी कंजम्पशन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया तो उससे क्या होगा कि आपको जो फोर्सेस लग रहे हैं कटिंग के लिए वो आपको कम लगेगा, आपको जो पावर मोटर में आपको एनर्जी कंजम्पशन है वो भी आपको कम हो जाएगा, है ना, ये आपको फायदा है। और तीसरा काम है फ्लश अवे द चिप्स फ्रॉम द कटिंग जोन, ये कटिंग जोन से जो छोटे छोटे चिप्स पार्टिकल बनते हैं उसको रिमूव करता है, फ्लश करता है। हेंस द चिप्स फ्रॉम द इंटरफेरिंग द कटिंग प्रोसेस, कटिंग प्रोसेस में आपको इंटरफेयर जो करता है उसको हटाता है, प्रोटेक्ट द मशीन सरफेस फ्रॉम द एनवायरमेंटल कोरोजन, है ना। मशीनिंग होगा हायर टेम्परेचर पे होगा, इसीलिए वहां पे ऑक्सीडेशन होने का चांसेस ज्यादा होता है, कोरोजन होने का चांसेस जाता है, ज्यादा होता है। हेंस द इट प्रोटेक्ट्स द मशीन सरफेस, ये मशीन सरफेस को आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको रिजल्ट है आपको कटिंग टूल का यूज करने का, बेनिफिट्स आपको यहां पर बताया गया है, ये सारे बेनिफिट्स हैं कटिंग फ्लूइड्स को यूज करने के लिए। कटिंग फ्लूइड्स आपने देखा होगा, या तो अभी जो है बहुत जगह आपने देखा होगा, नहीं तो कम से कम वाटर तो जरूर यूज करते हैं एज ए कटिंग फ्लूइड, है ना। जो टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड है वो आपको यहां पर आपको बताया जाएगा। कटिंग फ्लूइड में बी ए कूलेंट, ए लुब्रिकेंट और द बोथ, ये कूलेंट है और लुब्रिकेंट है, और मिक्सचर ऑफ द कूलेंट एंड द लुब्रिकेंट है। वाटर इज एन एक्सलेंट कूलेंट, रिड्यूस हाई टेम्परेचर इफेक्टिवली, बट इट इज नॉट एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट, इट डज नॉट रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑल्सो वाटर कॉज रस्टिंग ऑफ द वर्कपीस एंड द मस्कुलेटल कंपोनेंट्स। वाटर को इंडिया में ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, कोई भी केमिकल डालेंगे तो वो आपको महंगा हो जाता है, आपको लुब्रिकेंट्स मिलाएंगे तो महंगा हो जाता है। वाटर को ही जनरली जो है हल्का उसमें कुछ केमिकल डाल करके वाटर को ही इंडिया में यूज किया जाता है, जितना आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है फरीदाबाद में, गुड़गांव में वाटर को ही यूज करते हैं, है ना। आप डिफरेंट टाइप का कटिंग फ्लूइड्स मंगा सकते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होता है, वो आप उस पर कटिंग फ्लूइड पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ द कटिंग फ्लूइड डिपेंड अपॉन द मशीनिंग ऑपरेशन, टूल एंड वर्कपीस मटेरियल, कटिंग स्पीड एंड द मेथड ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। जो इफेक्टिवनेस ऑफ द कटिंग फ्लूइड आपको मशीनिंग ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, टूल एंड वर्कपीस मटेरियल पे डिपेंड करता है, कटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन वेयर कटिंग फ्लूइड्स कैन बी डिटरमेंटल, फ्लूइड मे काउज द चिप टू बिकम मोर कर्ली, दस कंसंट्रेटिंग द हीट क्लोजर टू द टूल टिप विच रिड्यूसेस द टूल लाइफ, है ना। यहां पर कटिंग फ्रूट्स को आपको डिटरमाइन करने के लिए यहां पर यह बताया जाता है। इंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन सच एज मिलिंग, कूलिंग ऑफ द कटिंग जोन लीड्स टू द थर्मल साइक्लिंग ऑफ द कटर टिप विच कैन कॉज थर्मल क्रैक्स बाय द थर्मल फेटुग और द थर्मल सक। इंटरप्टेड कटिंग में कैसे फ्रूट को यूज किया जाए ये बारे में आपको बताया जाता है। इन द मिड 90s द ट्रेंड ऑफ द नियर ड्राई और ड्राई मशीनिंग इज डन, ड्राई मशीनिंग कास्ट आयरन का करते हैं क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन ज्यादा होता है, वो लुब्रिकेंट का काम करता है। कटिंग फ्लूइड एक्शन स्टडीज हैव शोन दैट द कटिंग फ्लूइड गेन्स एक्सेस टू द टूल चिप इंटरफेस बाय स्टिपिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द चिप बाय द कैपिलरी एक्शन, ये कैपिलरी एक्शन से आपको टूल को
आपको यूज करता है. टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड, ऑयल्स और द स्ट्रेट ऑयल इंक्लूडिंग मिनरल, एनिमल, वेजिटेबल कंपाउंड एंड द सिंथेटिक ऑयल्स टिपिकली आर यूज्ड फॉर द लो स्पीड ऑपरेशन वेयर टेम्परेचर राइज इज नॉट सिग्निफिकेंट. स्ट्रेट ऑयल्स का यूज किया जाता है इंक्लूडिंग द मिनरल ऑयल, एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कंपाउंड ऑयल एंड द सिंथेटिक ऑयल. इमल्सन और द सोलुबल ऑयल आर ए मिक्सचर ऑफ द ऑयल एंड द वाटर एडिटिव्स. इट इज जनरली यूज फॉर द हाई स्पीड ऑपरेशन वेयर टेम्परेचर राइज इज द सिग्निफिकेंट. है ना, इमल्सन जो है एज ए मिक्सचर ऑफ द ऑयल एंड द वाटर एडिटिव, ये ऑयल और वाटर का एडिटिव्स है, इसको यूज किया जाता है. जनरली यूज फॉर द हाई स्पीड ऑपरेशन वेयर द टेम्परेचर राइज इज सिग्निफिकेंट. है ना, सेमी सिंथेटिक्स आर द केमिकल इमल्सन कंटेनिंग द लिटिल मिनरल ऑयल डायल्यूटेड इन द वाटर एंड विथ एडिटिव्स दे रिड्यूस द साइज ऑफ द ऑयल पार्टिकल मेक देम मोर इफेक्टिव. Synthetics are the chemical with additives diluted in water and contain no oil. Synthetics are the chemical with the additives diluted in water and contain no oil. ये आपको types of the cutting fluid आपको दिया गया है. These are the types of the cutting fluid. है ना? Method of the cutting fluid application. Cutting fluid को कैसे apply किया जाता है? तो ये मेथड आपको दिया गया है कटिंग फ्लूड को कैसे जो है अप्लाई किया जाता है, आपको यहां फिगर में आपको दिखाया गया है. है ना, देखिए कटिंग फ्लूड यहां पे गिराया जा रहा है, ये आपको कटिंग फ्लूड यहां पे आपको गिराया जा रहा है, कटिंग फ्लूड गिराया जा रहा है, ये आपको कटिंग फ्लूड गिराया जा रहा है, ये आपको कटिंग फ्लूड गिराया जा रहा है, ये आपको कटिंग फ्लूड गिराया जा रहा है ना. तो कैसे गुड कंडीशन बताया जा रहा है कि ये आपको अच्छा कंडीशन है कटिंग फ्लूड का, ये आपको पुअर कंडीशन है कटिंग फ्लूड अप्लाई करने का, ये आपको गुड कंडीशन है कटिंग फ्लूड अप्लाई करने का, ये आपको पुअर कंडीशन है कटिंग फ्लूड अप्लाई करने का. है ना, ग्राइंडिंग व्हील में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये गुड कंडीशन है ये बताया जा रहा है. कहां पर अप्लाई करना चाहिए कटिंग फ्लूड, आपको यहां पे बताया जा रहा है. ड्रिलिंग में ये आपको पुअर कंडीशन है. Schematic methods, illustration of the proper methods of the applying of the cutting fluids, fluiding in the various machining operation, turning, milling, thread grinding, and the drilling. ये चारों process का आपको यहाँ पर figure में आपको illustrate किया गया है कि cutting fluids को कैसे जो है apply किया जाता है वो यहाँ पर आपको बताया गया है ना. तो जो मेथड है फ्लड कूलिंग किया जाता है, फ्लड कूलिंग, फ्लडिंग किया जाता है, फ्लड कूलिंग किया जाता है, फ्लडिंग किया जाता है. फ्लो रेट्स आर रेंज फ्रॉम 10 लीटर पर मिनट फॉर ए सिंगल पॉइंट टूल टू द 225 लीटर पर मिनट पर कटर फॉर द मल्टीपल टूथ कटर सच एज ए मिलिंग. फ्लूड प्रेशर रेंज फ्रॉम 700 टू द 14,000 किलो पास्कल आर यूज टू फ्लश अवे द चिप्स. है ना, ये आपको फ्लड कूलिंग आपको किया जाता है. फ्लो रेट्स रेंज फ्रॉम 10 लीटर मिनट फॉर द सिंगल पॉइंट टूल टू द 225 लीटर पर मिनट फॉर कटर ऑफ द मल्टीपल टूथ कटर. है ना, फ्लूड प्रेशर आपको इतना रखा जाता है 700 टू द 40,000 किलो पास्कल आर यूज टू फ्लश अवे द चिप्स. मिस्ट कूलिंग किया जाता है. Cooling supplies fluid to the inaccessible area to provide better visibility of the workpiece being machined. Effective with the water-based fluids at the air pressure 70 to 600 kilopascal. आपको pressure रखा जाता है आपको mist cooling में. Limited cooling capacity requires venting to prevent the inhalation of the air-borne fluid particles. ये mist cooling आपको inaccessible area में आपको ज्यादा कामगार है वहां पर आपको काम करता है और इट प्रोवाइड द बेटर विजिबिलिटी ऑफ द वर्कपीस बीइंग मशीन. आपको ये आपको मिस्ट कूलिंग, ये आपको मिस्ट कूलिंग आपको करता है. दूसरा हाई प्रेशर सिस्टम,
हाई प्रेशर सिस्टम से अप्लाई किया जाता है। सर थोड़ा सा पीछे करना सर, स्लाइड जरा ऊपर, बस बस। ये सर मिस्ट कूलिंग में इन एक्सेसिबल एरिया क्या होता है? इन एक्सेसिबल एरिया मतलब जहां पर जो है नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे यहां पर आपको फिगर में मैं आपको यहां पर टर्निंग में दिखा रहा था ना, ये नीचे वाला इन एक्सेसिबल एरिया है ना, ठीक है ना, मतलब जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है तो वो आपको इन एक्सेसिबल एरिया कहलाता है। जहां पर कि आपको ये मिस्ट कूलिंग मिस्ट में स्प्रे करते हैं ना, तो वहां पर आपको जहां जहां पर नहीं पहुंच रहा है तो आपको वहां पर भी इनएसेसिबल एरिया हो गया, आपको वहां पर कूलिंग जो है प्रोवाइड कीजिए तो आपको बेटर होगा। कूलिंग प्रोवाइड करने से मशीनिंग बेटर होगा, आपको टूल लाइफ आपको ज्यादा मिलेगा, सरफेस आपको बढ़िया मिलेगा, है ना। तो ये कूलिंग करना बहुत जरूरी है ना। तो इनएसेसिबल एरिया का मतलब वही है कि जहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पर आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको वो स्प्रे करके उसमें वहां पर आपको पहुंचा जाए, है ना। एयर प्रेशर इसमें 72-600 kilopascal उसको रखा जाता है, 72-600 kilopascal आपको रखा जाता है। ये आपको मिस्ट कूलिंग है और हाई प्रेशर सिस्टम अप्लाई किया जाता है। हाई प्रेशर सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं डिलीवरिंग कटिंग फ्लूइड्स यूजिंग स्पेशली डिजाइन नोजल्स दैट एम ए पावरफुल जेट ऑफ द फ्लूइड। पावरफुल जेट ऑफ द फ्लूइड से नोजल के थ्रू जो है आपको कटिंग फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है। इसमें प्रेशर आपको ज्यादा रहेगा 5.5 megapascal 235 megapascal, है ना। प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये चिप ब्रेकर का भी काम करता है फॉर लॉन्ग एंड द कंटिन्यूअस चिप। जो आपको प्रेशर ज्यादा देंगे तो वो चिप ब्रेकर भी काम करेगा, चिप ब्रेकर भी आपको लगाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लॉन्ग और कंटिन्यूअस चिप बनता है उसको वो ब्रेक कर देगा अगर ज्यादा प्रेशर पे आप युक्स को काम करेंगे, है ना। तो इसमें हाई प्रेशर सिस्टम में नोजल डिजाइन किया जाता है और पावरफुल जेट की तरह जो है उसको भेजा जाता है टू अवॉइड डैमेज ऑफ द वर्कपीस सरफेस बाय इंपैक्ट फ्रॉम द पार्टिकल प्रेजेंट इन द हाई प्रेशर जेट। कंटेमिनेट साइज इज कूलेंट शुड नॉट एक्सीड 20 micrometer, है ना। ये कह रहा है कि उसको ये इतना माइक्रोन रखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएगा हाई प्रेशर सिस्टम में, है ना। चौथा कह रहा है थ्रू द कटिंग टूल सिस्टम फॉर ए मोर इफेक्टिव एप्लीकेशन नैरो पासेस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कटिंग टूल्स थ्रू द कटिंग टूल। कटिंग टूल में ही आप जो है उसको बना दीजिए, नैरो पासेज बना दीजिए, वहीं से पास करेगा और वो कूल भी करेगा, है ना। कटिंग टूल में ही पासेज बना दीजिए फॉर मोर इफेक्टिव एप्लीकेशन। कटिंग टूल में ही पासेस कर देंगे एज वेल एज द टूल होल्डर्स। टूल होल्डर्स में भी आप जो है कर सकते हैं, जहां पर आपको टूल होल्ड कर रहा है वहीं पे कर देंगे। तो थ्रो विच द कटिंग फ्लैट्स कैन बी अप्लाइड अंडर द हाई प्रेशर। जो आपको जो कटिंग फ्लूड है वो आपको हाई प्रेशर में आपको अप्लाई होगा। ये चार मेथड आपको दिया हुआ है कटिंग फ्लूड अप्लाई करने का, है ना। What are the effects of the cutting fluid? क्या effect है? The selection of the cutting fluid should also include consideration such as its effect on the workpiece material and the machine tool. For example, cutting fluids containing sulfur should not be used with the nickel based alloy, है ना। जो सिलेक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूड है वो आपको वर्कपीस मटेरियल पे आपको डिपेंड करता है ना। ये कह रहा है कि निकल बेस ऑलॉय का जब मशीनिंग करेंगे तो सल्फर जो है आप यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली
फ्रूट्स कंटेनिंग क्लोरीन शुड नॉट बी यूज्ड विद द टाइटेनियम। टाइटेनियम के साथ में जब मशीनिंग करेंगे तो क्लोरीन को यूज नहीं करेंगे, है ना। द ट्रेंड इज टू यूज वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूइड। मैंने अभी भी आपको बताया कि वाटर को ही ज्यादा यूज करते हैं, वाटर में हल्का क्लोरीन डाल दिया, वो वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूइड आपको सस्ता पड़ता है, वो आपको ये आपको वाटर बेस्ड ही कटिंग फ्लूइड आपको यूज कर रहा है, यूज जो है वो आपको आपको करता है, तो है ना। और दूसरा है बायोलॉजिकल कंसिडरेशन। बायोलॉजिकल कंसिडरेशन का मतलब है जब कटिंग फ्लूइड डालेंगे, कटिंग फ्लूइड जो है आपको फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा, गैसेस प्रोड्यूस करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा, एंड डिफरेंट टाइप का ऑडर्स और जो आपको महक है वो आपको प्रोड्यूस करेगा, एंड इट कैन काउज द सेवरल स्किन रिएक्शन एंड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, है ना। ये आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट करेगा मशीनिंग में, क्योंकि ये कटिंग फ्लूइड वहां पे आएगा तो ये स्मोक पैदा करेगा, फ्यूम्स पैदा करेगा, इसीलिए आपको स्किन रिएक्शन में आपको स्किन पे भी गिरेगा तो स्किन रिएक्शन पैदा करेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पैदा करेगा, स्पेशली इन यूजिंग फ्लूइड्स विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज सल्फर क्लोरीन एंड सो ऑन। जब सल्फर यूज करेंगे, क्लोरीन यूज करेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको ये पैदा करेगा, है ना। तो much progress has been made in ensuring the safe use of the cutting fluids in the manufacturing plant while trying to reduce or eliminate their use and try to adopt dry or near dry machining technique, hai na। to many manufacturing plant mein dry machining ke liye aur near dry machining ke liye use kiya jata hai kyunki ye aapko human ko aapko problem karta hai। बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन में आपको प्रॉब्लम करता है, है ना। द एनवायरमेंट में कटिंग फ्लूइड्स में अंडरगो केमिकल चेंजेज एज दे आर यूज्ड रिपीटेडली ओवर द टाइम। उसको बार बार रिपीट किया जाता है, कटिंग फ्लूइड्स को ना बार बार क्या करते हैं कि वो जो गिरता है तो उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर रिसाइकल किया जाता है, पंप से उसको रिसाइकल किया जाता है, है ना। इट इज यूज रिपीटेडली ओवर टाइम, तो इसमें आपको केमिकल चेंजेज हो जाता है। दी चेंजेज में बी ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स और टू द कंटामिनेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। ये आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हो जाता है, दूसरा कंटामिनेशन हो जाता है इंक्लूडिंग द मेटल चिप्स, उसमें कुछ मेटल पार्टिकल्स भी आपको गिर जाते हैं, मेटल चिप्स भी गिर जाते हैं, तो ये आपको आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट आपको प्रोड्यूस करता है। फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मशीनिंग एंड द ट्रैम्प ऑयल, है ना। दीज चेंजेस बिकम एनवायरमेंटल हैजर्ड, डिस्पोजल पार्टिकल मस्ट कंप्लाई विद द लोकल लॉ एंड द रेगुलेशन, है ना। तो ये आपको इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी करता है केमिकल्स जो है आपको, तो जो इफेक्ट ऑफ द कटिंग फ्लूइड्स आपको, ये आपको इफेक्ट्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड है ना। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड। नियर ड्राई एंड द ड्राई मशीनिंग। For economic and the environmental reason की वजह से there has been a continuing worldwide trend to minimize or eliminate the use of the metal working fluid। metal working fluid को नहीं use करने के लिए ज्यादा use किया, ज्यादा trend आ गया था। this trend has led to the practice of the near dry machining with major benefits such as alleviating the environmental impact of the using cutting fluid। सर पहले नियर ड्राई एंड ड्राई मशीनिंग होता क्या है ये बता दो ना आप। अच्छा, ड्राई मशीनिंग में तो आपका हो गया कि उसमें कटिंग फ्लूइड यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है,
है ना, और नियर ड्राई का मतलब है जो कुछ हल्का एयर फ्लूड का मिक्सचर वो आपको यूज करेंगे, हल्का जो है फ्लूड यूज करेंगे आपको, क्योंकि देखिए कटिंग फ्लूड डालने का बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताया कि उसमें बेनिफिट तो है कटिंग फ्लूड डालने का, तो उसमें या तो आप एयर मिक्सचर यूज कर लीजिए, एयर फ्लूड का मिक्सचर कर लीजिए, तो आपको ये आपको नियर ड्राई मशीनिंग का आपको मतलब हो गया, वो एयर डाल दीजिए, ड्राई मशीनिंग में तो लिख आपको आपको डालना ही नहीं है, वो आपको ये उसका मतलब हो गया कि आपको मशीनिंग ड्राई कीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल रीजन से, इकोनॉमिक रीजन से, क्योंकि आप केमिकल यूज करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि वाटर ही यूज करते हैं सब जगह जो है, वाटर ही यूज करते हैं, क्योंकि आप उसमें केमिकल डालिएगा तो महंगा पड़ेगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में आप पीछे हो जाइएगा। आपने हो सकता है कहना चाहता हूँ सर, हाँ सर, सर ये अब मतलब आप किताब की भाषा छोड़ो सर, क्योंकि हाँ, आपको ज्यादा पता है, आपने इंडस्ट्रियल विजिट किया है बहुत सारे जगहों पे, इसमें तो सर लाइन बाई लाइन पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा हमें, जैसे नियर ड्राई ड्राई मशीनिंग क्या होता है, उसमें क्या होता है, आप अपना जो दोगे ना तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये लाइन बाई लाइन पढ़ने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है वैसे। नहीं तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस आपको तो बता ही रहा हूँ कि आपको वाटर बेस्ड जो है जो सोल्यूशन वो आपको यूज किया जा रहा है सारा, आपको गुड़गांव में फरीदाबाद का इंडस्ट्री में आपको वाटर बेस्ड सोल्यूशन आपको यूज किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कटिंग फ्लूड्स अगर आप यूज नहीं करेंगे तो टूल लाइफ आपका घट जाएगा, आपका सरफेस फिनिश आपको बेटर मिलेगा नहीं, सरफेस फिनिश आपको बेटर मिलेगा नहीं, तो कटिंग फ्लूड्स का यूज करते हैं, है ना, ये एक कंडीशन बता रहा है, ये केस बता रहा है ड्राई मशीनिंग का और नियर ड्राई मशीनिंग का, है ना, ये केस बता रहा है, लेकिन जो कटिंग फ्लूड है, कटिंग फ्लूड तो इंडस्ट्री में यूज करते ही करते हैं, क्योंकि उसके बेनिफिट्स हैं, आपको टूल लाइफ को बढ़ा रहा है, आपका सरफेस फिनिश को बेटर कर रहा है, आपका जो रस्टिंग होगा ऑक्सीडेशन होगा वो आपको घटा रहा है ना, रस्टिंग हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको आपको घटा रहा है, तो ये जो बेनिफिट्स है आपका कटिंग जोन का टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, तो उससे जो है आपको जो टूल वियर भी आपको कम होगा, तो बेनिफिट्स तो है ही, तो इसीलिए कटिंग फ्लूड्स तो यूज करते ही करते हैं, तो ये सिर्फ केस बता रहा है कि एक जो है आपको ट्रेंड आया था आपको नियर ड्राई का, कास्ट आयरन का जो मशीनिंग है वो आपको ड्राई मशीनिंग है, कास्ट आयरन का जो मशीनिंग है वो आपको ड्राई मशीनिंग है, क्योंकि कास्ट आयरन में आपको कार्बन के पार्टिकल्स आपको निकलते रहते हैं, जब मशीनिंग करते हैं ना तो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं वो आपको लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, तो कास्ट आयरन का जब मशीनिंग करते हैं तो अभी तो आपको उसको उसमें कटिंग फ्लूड्स आपको यूज नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे मटेरियल्स का जब यूज करेंगे तो आपको कटिंग फ्लूड्स का यूज करते ही करते हैं, क्योंकि उसके एडवांटेज हैं, है ना, तो ये आपको एक केस बता रहा है कि जो है मेटल वर्किंग फ्रूट का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट मेनली आपको ये डील कर रहा है कि एलिवेटिंग द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द यूजिंग द कटिंग फ्रूट, इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड रिड्यूसिंग द हेल्थ हैजर्ड, वर्कर का हेल्थ हैजर्ड से बचने के लिए, इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी को लिए और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के लिए ड्राई मशीनिंग बेटर प्रिफर कर रहा है, तो ड्राई मशीनिंग करेंगे तो ड्राई मशीनिंग में आपको जो है तो वो सब जगह आपको इसका डिसएडवांटेज भी है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द कटिंग फ्रूट, कटिंग फ्रूट जब आप लगाएंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिसाइकल करेंगे उसको डिस्पोजल करेंगे कटिंग फ्रूट्स का, है ना, आपको उसको कॉस्ट को मेंटेनेंस करेंगे रिसाइकल करने में, आप फिर उसको चिप्स को हटाएंगे, उसमें जो जो चिप्स गिर गया है उसको हटाएंगे तो कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, है ना, फर्दर इंप्रूविंग द सरफेस क्वालिटी, तो ये आपको नियर और ड्राई मशीनिंग करने के लिए भी आपको सजेस्ट करता है, ये आपको केस द बेसिक आइडिया बिहाइंड द नियर ड्राई कटिंग इज टू यूज ए फाइन मिस्ट एयर फ्लूड मिक्सचर
नियर ड्राई का मतलब है एयर यूज कीजिए कंटेनिंग ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कटिंग फ्लूइड इंक्लूडिंग द वेजिटेबल ऑयल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कटिंग फ्लूइड को आपको यूज कीजिए, है ना, ऑप्टिमम कंडीशन को गेन कीजिए, कॉस्ट भी आपका बचेगा, ऑप्टिमम कंडीशन भी आपको गेन होगा। तो इसीलिए इसमें आप जो है कितना यूज करना है नहीं करना है ये भी एक जो है प्रोजेक्ट का विषय बनता है। इस पे कटिंग फ्लूइड्स को मंगा करके डिफरेंट का टाइप का कटिंग फ्लूइड्स को मंगा करके आप इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। द मिक्सचर इज डिलीवर्ड टू द कटिंग जॉन थ्रू द स्पिंडल ऑफ द मशीन टूल टिपिकली थ्रू द 1 mm डायमीटर नोजल एंड अंडर प्रेशर ऑफ द 600 kPa। ये आपको नियर ड्राई मशीनिंग का आपको कंडीशन आपको बता रहा है ना। नियर ड्राई मशीनिंग का आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ये कह रहा है कि एयर फ्लूड मिक्सचर होगा कंटेनिंग ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कटिंग फ्लूड इंक्लूडिंग द वेजिटेबल ऑयल, ये होगा उसमें, है ना। ये आपको 1 mm डायमीटर से ये आपको उसमें किया जाता है अंडर ए प्रेशर ऑफ द 600 kPa उसमें आपको यूज किया जाता है। इट यूज रेट्स ऑन द ऑर्डर टू द 100 cc/h, इट इज ए मिनिमम क्वालिटी लुब्रिकेशन। इट इज हैज शॉर्ट द इफेक्टिव इन द वेरियस मशीनिंग ऑपरेशन टर्निंग मिलिंग एंड द गियर कटिंग ऑन स्टील स्टील एलॉय एंड द कास्ट आयरन बट नॉट एल्यूमिनियम एलॉय। यहां आपको बता रहा है कि कास्ट आयरन में आपको ड्राई मशीनिंग किया जाता है क्योंकि वहां पर आपको कार्बन आपको मिल जाता है, ग्रेफाइट का जो आपको इलेक्ट्रोप्स है कास्ट आयरन में कार्बन ज्यादा रहता है तो कास्ट आयरन में आपको ड्राई मशीनिंग प्रिफर किया जाता है। स्टील एलॉय को आपको ड्राई मशीनिंग आपको प्रिफर किया जाता है क्योंकि वहां भी कार्बन मिल जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम एलॉय के लिए ये ड्राई मशीनिंग आपको काम नहीं आएगा, है ना। टूल डिजाइन हैव बीन क्रिएटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशराइज्ड एयर, एयर को यूज कीजिए ऑफन थ्रू द टूल सेंग द कंप्रेस्ड एयर डज नॉट सर्व एज ए लुब्रिकेंट बट प्रोवाइड्स ओनली लिमिटेड कूलिंग एंड इज वेरी इफेक्टिव एट द क्लियर चिप्स फॉर द कटिंग सर्फेसेस। आप जो है प्रेशराइज्ड एयर को यूज कीजिए मशीनिंग के लिए, आप फ्लूड मत यूज कीजिए, ये ड्राई मशीनिंग का मतलब है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशराइज्ड एयर ये ड्राई मशीनिंग का मतलब है, और नियर ड्राई का मतलब है एयर एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कटिंग फ्लूड, ये आपको आपको नियर ड्राई मशीनिंग का आपको मतलब है ना। तो पहले मैं अटेंडेंस ले लूं क्योंकि आपका टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए पहले अटेंडेंस में ले लेता हूं। अमन कुशवाहा जी इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या 16 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जी 35 इज प्रेजेंट, साक्या जी 18 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार जी 31 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। तो आज जो जो प्रेजेंट हैं उनका नाम मैं फिर से बोल देता हूं, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, साक्या जी 18 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जैन जी 35 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, ये सारे आज प्रेजेंट हैं। तो कटिंग फ्रूट्स
डिफरेंट टाइप ऑफ द कटिंग फ्लूइड्स ला करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो चेक कर सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि हर एक मेटल वाइज कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन होता है। तो जब आप एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मशीनिंग करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कटिंग फ्लूइड